सिद्धार्थनगर जिले में बहने वाली नदियां हर वर्ष खूब तबाही मचाती हैं। इसका सीधा कारण है बांध के निर्माण व उसके गैप का ना भरना। आज हम बात कर रहे हैं लगभग 41 किलोमीटर लंबे शाहपुर भोजपुर बांध की। बता दें, इसका निर्माण कार्य 1994 में शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक ये पूरा नहीं हो सका। हर वर्ष राप्ती नदी तबाही मचाती है। लोग अपने घरों को छोड़ शहरों की तरफ पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं। बाढ़ की वजह से किसानों की हजारों बीघा धान की फसल भी हर वर्ष बर्बाद हो जाती है। बांध को पूरा करने के लिए करीब 2 वर्ष केंद्र सरकार की ओर से 74 करोड़ की मंजूरी दी गई है, लेकिन अभी भी इसका काम पूरा नहीं हो सका। स्थानीय लोगों ने बताया कि हर वर्ष बाढ़ आती है और हम लोगों का सब कुछ बहा ले जाती है। जब बंधा ना ही बना है बाहर के आगे कब आगे यहाँ के बंधा बांध दिए, बाहर के बंधा खुले है तो अब बाहर के पानी आई तो सब यही मछिया फुरपावा और बिजवारे फतेहपुर सहिया पर ही जो है धनहरा कड़ारी नेबुआ ये कुल गांव से जो है सभी में बूढ़ उतरा था। जब हरिया के बंधा बने ना है यार का बंधा बांध दिए ना आगे के और वहार के बांधे ना है तो हमारे सभी तो बूढ़ा जाए पारसाल ऐसे बूढ़ी के वगैरह रहा गांव छोड़ छोड़ हमारे भाग गए हैं। हाँ सर, पिछले साल बाढ़ ने तबाही मचाई थी, ऐसे में जो अभी तक बंधे का कार्य पूर्ण नहीं हो सका है, इसको लेकर क्या तैयारियां की गई है? देखिए कुछ जो बंधा है जैसे राप्ती किनारे हमारा बंधा होता है भोजपुर सापुर का, उसमें गैप्स काफी है तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है और इधर एक गैप को भरने के लिए खासकारों से बात भी हो रही थी तो उन्होंने सहमति अभी तक नहीं दी है कि उसको भर लिया जाए। उसमें 10 गैप है तो उस पर काम हो रहा है तो वो काम लंबित चल रहा है, उसमें पूरा नहीं हो पाया है वो। लेकिन इसके अलावा आपका बांसी डुमरियागंज का बंधा है 4 गैप थे जिसमें 2 भरे जा चुके हैं और जितने भी प्रोजेक्ट तटबंधों के सुदृढ़ीकरण के आए हुए थे वो सभी पूर्ण किए गए हैं इस बार। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।